और गर्मी से लगता है इसका भी हालत खराब हो गया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी है सुबह का समय और अभी टाइम हो रहा होगा करीब 9 बजे का, और रिया हो गया नहा धोकर तैयार। नहा लिया है ना? नहा लिया कि नहीं बता? मैं नहा ली हूँ, बोल दे। और दीदी कहाँ गई है? और गुनगुन चली गई है स्कूल। कहा गम्मा? और हमारे अभी घर का नल शायद चालू है, देखते हैं कि हम मम्मी क्या कर रही है। और यह है हमारे घर की तुलसी माता, और ये है हमारा छोटा सा महल। और अभी निकल रहा है रिया जी के लिए खाना। बहुत ज्यादा भूख लगा क्या रिया? हाँ। क्या बना है रे? क्या सब्जी? आलू भुंजिया। कहाँ है आलू भुंजिया? तो डाले कदी। हाँ, आज बना हुआ है दाल के साथ आलू का भुंजिया। आलू भुजिया गिराना नहीं ना। हाँ। और अभी घर में हम तीनों ही हैं क्योंकि गुनगुन अपने स्कूल चली गई है। और इसकी माता जी कहाँ गई है? मम्मी काम में गई। इसकी मम्मी चली गई है काम पे। चाचा चला गया है गांव चावल लेने के लिए, मतलब सरकारी राशन वाला। चल दिखा दे कि मैं घर का काम करा था। और मैं सोकर उठ तो गया था, लेकिन मेरे अंदर का बिस्तर वैसे का वैसे पड़ा है। तो मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि मेरे बिस्तर की हालत अभी कैसी है। ओहो, मेरे कमरे की हालत तो काफी चिंताजनक लग रही है, और इसको अब मुझे ही समेटना है क्योंकि श्रीमती जी आएगी अभी 2 बजे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि यहाँ लाइट की बहुत प्रॉब्लम है। आपको हो सकता है अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मेरे इस कमरे में सिर्फ एक ही लाइट है जो यहाँ पर है, और बाकी कमरे की हालत तो देखो ही मत। यहाँ इस दीवार के पीछे में ठीक नाली है, जिसके वजह से ये पूरा भीगा हुआ है यहाँ तक, यानी कि पूरा आधा दीवार भीगा हुआ है। और यह है हमारे कपड़े टांगने के लिए छोटा छोटा अलमारी, जो कि एक नहीं बल्कि ये एक और ये दो और ये तीन और भी है और ये चार और ये पाँच। और यह है मेरा छोटा सा होम थिएटर, जो कि बचता कम और ख़राब ज़्यादा होता है। तो चलो सबसे पहले तो मैं समेटने का काम कर लेता हूँ, क्योंकि फैला हुआ देखकर बाद में श्रीमती जी आकर मुझे ही चिल्लाएंगी, तो करना तो पड़ेगा। वैसे ये काम मेरे लिए नया नहीं है, क्योंकि श्रीमती जी तो 2 बजे के करीब आती है, तो ये काम तो मुझे रोज करना पड़ता है। और घर पर मेरी माता जी भी है, लेकिन उनका पूरा दोपहर तक का समय है, सबको खाना खिलाने में सबका काम करने में चला जाता है, तो मैं छोटा मोटा काम के लिए उनको तो नहीं बोल सकता। नहीं, काम में गर्मी से ना हालत खराब हो गया भाई। आप लोग सोच सकते हो अभी किस कदर गर्मी कर रहा होगा, जबकि बरसात का मौसम है। वैसे आपके यहाँ मौसम कैसा है आप जरूर बताना। और अभी मैंने इसे सही कर लिया है, आप लोग बताना कि मैंने ठीक से किया या नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने जितना मेरा शक्ति है उतना सारा लगा दिया है। और यह है मेरा आत्मा जो कि बिस्तर में घुस गया है। और मैंने ये काम जल्दी जल्दी इसलिए किया क्योंकि अगर इसमें मैं लेट लगाता तो आप लोग वीडियो छोड़ के भाग जाते, क्योंकि यहाँ पर पूरा अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है, मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। और अब यहाँ का काम तो हो गया, तो अब मैं बाहर निकलने वाला हूँ। रिया, खाना खा लिए? पानी ले क्या है? एक गिलास ले क्या है? ला रही है? जब अभी वाला जो नल से भरे है ना, उसको लेके आना। ये गरम हो गया है। गरम दूसरा पानी निकाल रही हूँ। जा, पानी तो पी लिया, अब मैं निकलता हूँ बाहर। पापा कब नींद लगा? हाँ। अभी से नींद लग रहा है? हाँ।
चार झूठी झूठ बोल रही। हाँ बोल दे। झूठ क्यों बोलती है? बताना। उधर उधर वहां रखो, मैं कहाँ बैठूंगा? कहाँ बैठूंगा? हाँ अटकन बटकन चलो खिला मुलाज नहीं है। दिखा था। इसमें तो मोबाइल पकड़ा हूँ। कहाँ? यहाँ पर। चल बोल ले। क्या बोलना है बता। मैं भाई जैसे बताएगी ना वैसे बोलूंगा। क्या बोलना है? अरे अपन अपन खाना को छोड़ दिया है। अच्छा रिया अपने खाने को छोड़ दिया है ऐसे बोलूं? हाँ तो कहाँ छोड़ी है? तो खा लिया है पूरा। पूरा तो खाई है ना? छोड़ी हूँ। इधर आ बता कहाँ छोड़ी है बता। हाँ रख दे रख दे गिर जाएगा रख रख। सच में छोड़ दिया रे। जान नहा पे तक मेरे माता जी नहा धो कर हो गई है तैयार और ये लेकर आई है बेल पत्ता पूजा करने के लिए। अभी सावन सोमवार चल रहा है ना, कहाँ मंदिर जा रहे हो? हिस्सो गए थे देखो। कौन जगह? हनुमान घर। हनुमान घर तो भी जाएगी रिया। हाँ। और घड़ी में भी अब 11:30 बजने वाला है और बाहर में धूप तो इतना ज्यादा निकला हुआ है कि पूछो मत। लग ही नहीं रहा कि बरसात का मौसम है, लेकिन नज़ारा काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, मिलते हैं नहाने के बाद। गौरिया है हमारी छोटी छोटी टंकियाँ जिस पर हम लोग पानी भरे हुए हैं और यही हमारा बाथरूम भी है। आप लोग बताना कि ये नज़ारा आपको कैसा लग रहा है। और आप लोग मानो या ना मानो लेकिन अभी मैं नहा धोकर हो चुका हूँ तैयार। मेरी माता जी मेरे लिए निकाल रही है खाना। रिया और रिया अपने साज और श्रृंगार के कार्यक्रम में लगी हुई है। क्या कर रहा था? क्या पहने? साड़ी लुगरा। हाँ लुगरा 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 पहनी हुई है। और अभी मेरा खाना भी निकल कर पूरा तैयार हो चुका है और दाल के साथ मिला है ये आलू और भिंडी की भुंजिया। रोटी भी तो है कहाँ है? कहाँ है टिफिन वाला? और इसमें है क्या है देखते हैं। इसमें कुछ रोटी वगैरह है। कौन सा रोटी? चीला रोटी। चला तू मैं खाऊँ। मैं अपन बटन तो खाए दूठो दूठो नहीं बेटा एक लाला। मिलते हैं खाना खा के। वैसे चीला रोटी तो मैं बहुत दिन में खा रहा हूँ। और अभी मैंने अपना भोजन ग्रहण करने का काम समाप्त करके आके बैठ गया हूँ हमारे इस महल के इतने बड़े कमरे में और यहीं पर मेरी माता जी आराम कर रही है क्योंकि अभी हो रहा है दोपहर का 1:20 के करीब हो रहा है और अभी तक इसकी मम्मी आई नहीं है। दरवाजा खोल जल्दी। और हम लोग आकर बैठ गए हैं यहाँ गली के पास। और यहाँ पर आकर हम लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि श्रीमती जी के आने का टाइम हो गया है। श्रीमती जी आएगी इधर से, यहाँ पर जो रास्ता दिख रहा है वहाँ से। हम दोनों इंतजार करते करते यहीं पर बैठे रहते हैं, देखते हैं कि श्रीमती जी कब तक आती है। और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लेकिन धूप है भाई। कहाँ कुत्ता? श्रीमती जी यहाँ से आ रही हैं अभी। आ जा इधर आ।
हाँ ना रे, यहीं तो आएगी। और मैं इसीलिए यहाँ पर रुका था ताकि मैं श्रीमती जी को आते हुए आप लोगों को दिखा पाऊँ। ये रोज इसी साइकिल में जाया करती है। हेलो दोस्तों, चलो। ये चला गया रथ हमारे घर के अंदर। और मैं नहीं जाऊंगा अंदर। और गर्मी से लगता है इसका भी हालत खराब हो गया है। कैसे लग रहा है बताओ? गर्मी लगत है। पर इसके आते ही रिया को अब जरूरत पड़ गई है। क्या चाहिए रिया बता दो। बता क्या चाहिए? इसको पीना है दूध। ज्यादा थक गई है। गर्मी बहुत ज्यादा है। कितना टाइम से वीडियो बना रहा है? मैं तो सुबह से बना रहा हूँ, सुबह 9 बजे से। गर्मी से जब मेरा हालत ऐसा हो गया है तो इसका हालत क्या है देख लो। क्योंकि ये तो 3-4 किलोमीटर से साइकिल चला के आ रही है। ये दूध मंग रही है दोनों उसको? नहीं, बाद में पीना। नहाने के बाद नहाएगी बेटे, मम्मी नहाएगी। तो अभी श्रीमती जी जाएगी नहाने के लिए। तो आज के वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।